गुड मॉर्निंग गाइस। आज का मेरा ब्लॉग है, मेरा रोज का रूटीन के ऊपर। तो मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक में मेरा क्या रूटीन है वो बताऊंगी आज मैं आपको। तो मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बज गए हैं 6 और मैं पूरा ब्रश वगैरह सारा काम निपटा के अब वॉक पे निकल चुकी हूँ। तो चलो, तो फिर मैं वॉक करके तो आप आती हूँ। देख देख सकते हो मेरा पसीना, मेरा मुंह, पूरे 25 मिनट का वॉक करके मैं आ चुकी हूँ। अब मैं कर लेती हूँ एक्सरसाइज, जो मेरे डेली की एक्सरसाइज है ये। वो ज्यादा नहीं होती है, पर थोड़ी बहुत सुबह सुबह के टाइम पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होनी ही चाहिए। तो मेरी सुबह सुबह की ये एक्सरसाइज है। तो मैं आ गई एक्सरसाइज करके किचन के अंदर। और सुबह सुबह किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे जो रात के बर्तन मैंने घिसे थे वो अभी जमा लेती हूँ। दूध गर्म कर लेती हूँ, चाय रख देती हूँ। और मैंने आटा गूंद लिया है, कस्तूरी मेथी डालकर मसाले वाला आटा गूंद दिया है। और रोज सुबह हमें परोठे ही चाहिए, भाकरी, परोठे, थेपले, यही खाते हैं सुबह। तो ये सब काम मेरा हो चुका है, तो अभी मैं बर्तन वगैरह जमा लेती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, जो क्रिकेट खेल कर आएंगे फिर उनका चाय नाश्ता बनाऊंगी। तब तक अभी मैं उठी हूँ कब से, तो अभी मेरा टाइम हो चुका है नाश्ता करने का। अभी मेरी नाश्ता करने में अभी मेरी 20 मिनट और बाकी है, क्योंकि मैं गर्म पानी पीने के बाद 1.5 घंटे। तो जब भी मेरे हाथ फ्री हो जाते हैं तो मेरे हस्बैंड जाते हैं शॉप पर, तो उनको 10 बजे थोड़ी भूख लग जाती है, तो उनके लिए थोड़ा नाश्ता मैं कुछ कर ही देती हूँ। तो आज मैं शक्कर टेटी ही कट करके फ्रिज में थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दूंगी। फिर मैं बना रही हूँ नींबू का शरबत, वो भी मैं बोतल में भर कर उनको दे देती हूँ। फिर मैंने सारे पौधों को पानी पिला दिया है, बाहर पोछा भी लगा दिया है, पर फोन रखने की थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए मैंने पौधों को पानी हो पिला कर चुका ही है आपको मेरा दिखा रही हूँ। डस्टबिन का टाइम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, सारा काम अब मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो
पे मिली। कैसे हो आप सब, सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो मैंने हमारा घर का सारा काम फिनिश कर लिया है, मैंने शावर भी ले लिया है, पूजा पाठ भी कर ली है, घर का काम सारा हो गया है फिनिश। तो अब मैं 10 से 15 मिनट कर लेती हूँ रेस्ट और थोड़ा व्हाट्सअप वगैरह भी चेक कर लेते हैं। तो अभी सब्जी काटनी बाकी है मुझे, अब सब्जी काटूंगी फिर खाना बनाऊंगी। 1 मिनट, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो घर का बहुत ही बड़ी धूप है यहाँ पर, हमारे बड़ोड़ा में बहुत ज़्यादा धूप गिर रही है। तो मैंने आज का मेरा वर्कआउट जो है, मैंने सुबह उठ के क्या करती हूँ, सुबह उठ के मैं कितनी एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ एवरी डे, मेरा रोज का है ये। तो मैंने आज के ब्लॉग में वो सब चीज़ें डाली है मैंने, क्या मैं सुबह उठ के क्या क्या करती हूँ, और एक छोटी सी होम रिमोडी भी चाहिए ऐसे। और गर्मी भी बड़ी है तो कुछ तैयार होने का मन नहीं होता है, ऐसा हुआ है। बहुत ही पुराने वाले कपड़े पहने, एकदम पतले पतले कपड़े, पुराने कपड़े पहने, नए कपड़े पहनने का तो कुछ मन ही नहीं होता है। तो मैं बार बार यही कुर्ता पहन लेती हूँ, बार बार वॉश होता है फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यही कुर्ता पहन लेती हूँ, फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो वापस चेंज करके जाती हूँ, घर में रहती हूँ तब तो यही कुर्ता पहन लेती हूँ। तो अभी तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या दिखाऊँ आज के ब्लॉग में, तो मैंने सोचा मैं आपको मेरी रोज़ की रूटीन है, जो मैं रोज़ रूटीन में क्या करती हूँ, जो पहले तो मैंने आधा ही आपको दिखाया है, आधा मैं आपको बताना भूल ही गई थी। तो कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हो तो आप तो मुझे सपोर्ट करने वाले हो, और जो मेरे ब्लॉग पर नए हो वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और अभी मैं भी एक बार और आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि सब्सक्राइब एक ही बार करना होता है। तो गाइस, आप लोग जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा व्लॉग देख रहे हो, तो एक ही बार सब्सक्राइब करना है। हर वीडियो आएगा तब आपको वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस नहीं करना है, नहीं तो मैं अनसब्सक्राइब हो जाऊँगी। तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान रखो। चलो तो फिर मैं थोड़ी देर कर लेती हूँ, बैठ के थोड़ा से फ़ोन को कुछ यूज़ कर लेती हूँ, फिर मैं काट लेती हूँ सब्जी। अब मैं जब सब्जी बनाऊंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। चलो तब तक के लिए बाय बाय। चलो तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो मेरी सब्जी कट हो चुकी है, तो खाना बनाते बनाते मुझे याद आ गया कि कपड़े सूख गए होंगे, तो मैं पहले कपड़े ले आती हूँ, फिर खाना बनाने में देर लग जाती है तो कपड़ों के कलर उठ जाते हैं। तो पहले मैं लेकर आ गई कपड़े, तो सिर्फ 10 मिनट लगी है मुझे अभी की, 10 मिनट मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ और ये पूरा स्किन मेरी है जो जलन जलन हो रही है मेरी स्किन में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपके साथ शेयर किया था एलोवेरा का जो जूस बना के मैंने इसमें डीप फ्रीजर में रखा था, तो काफ़ी पहले तो मेरा ख़त्म हो चुका है, फिर मैंने दूसरा भी बना दिया है। तो ये निकल जाता है, फिर मैं थोड़ा सा मुँह पर रगड़ लेती हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा जलन हो गई है। चलो इसको थोड़ा होने देते हैं, फिर करते हैं। तब तक मैं बना रही आज गवारफली। तो गवारफली के लिए मैं 2 प्याज काट लेती हूँ। आज बनाना है रोटी, रायता। और अभी तो जो गर्मी है तो रायता तो रोज ही रहता ही है, छाछ वगैरह रायता। तो आज सब्जी रोटी और रायता ही है। और मेरा घर का ऑलमोस्ट सारा काम फिनिश हो गया, सिर्फ खाना ही बाकी रहा है। फिर खाने के बाद तो आपको पता ही है, खाने के बाद, खाना बनाने के बाद खाना खाना, बर्तन घिसना, किचन साफ करना, वो बहुत बड़ा काम होता है, पर ये तो रोज का है। चलो तो गाइस, मैं आपको मिलती हूँ खाना खाना बनाने के बाद। चलो तो फिर तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, मेरा खाना बन चुका है और मैंने खाना भी खा लिया है। अब मैं कर लेती किचन साफ। तो गाइज, मेरा किचन साफ हो गया है और मैं थोड़ी सी तैयार होके थोड़ी सी रील्स बना दिए और YouTube पर शॉर्ट्स बना दिए। तो जल्दी जल्दी से जाओ और खूब सारा प्यार दो, आप मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और मुझे थोड़ा सा आगे लेकर जाओ। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बहुत रेडी होके मैंने थोड़ी छोटी छोटी सी क्लिप बना दी है। तो जल्दी जल्दी जाओ।
गाइस मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो आज थोड़ा सा फ्री फ्री लग रहा है क्योंकि मैंने सारा काम खत्म करके ही सोई थी। तो अभी मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, शॉप पर जाना है, थोड़ा टाइम है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट्स बना लेती हूँ। शॉर्ट्स वगैरह बन चुके हैं तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं पी लेती हूँ दूध और थोड़ी सी बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ, फिर चलती हूँ शॉप पर। चलो तो फिर मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे हस्बैंड से। कल को 8 साल हो चुके हैं, रोशनी चौहान ने लिया था, अभी तक पानी ठंडा रहता है 2 दिन तक। थैंक यू, ये उसकी बोतल है, उसने मुझे दे दी है, कल मैं यूज करता हूँ। ठंडी ठंडी हवा खा रहे कूलर की। मेरा खाना वगैरह सारा हो चुका है, मेरे बर्तन साफ कर लिए, किचन साफ कर लिया, ये मेरा रोज का रूटीन है। मैं खाना खाने के आधे घंटे के बाद वॉक पे निकल जाती हूँ। तो गाइस मेरे कोई फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो मैं उनके साथ वॉक कर लेती हूँ, अगर कोई नहीं मिलता तो मैं अकेले ही वॉक कर लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी सोसाइटी में कोई भी नहीं दिखेगा क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, वैकेशन हो चुके हैं, तो सारे लोग उनको गार्डन में ले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, तो अभी इतने फ्रेंड्स मिलते नहीं है। अंधेरा भी हमारे यहाँ रहता है, कहीं कहीं लाइट जली रही है। प्लॉट में ही वॉक करती हूँ। हमारा काला खड़ा है, दिख भी नहीं रहा है। काले 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 कहाँ चली वॉक पर? काले कहाँ चली वॉक पर? है काली कहाँ पे चली वॉक पर, कहाँ चली? तो हम जब भी वॉक करते हैं यहाँ ही घूमती रहती है। और आज बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा इससे हवा चल रही है, तो मैं आपके साथ बातें करते करते ही वॉक कर रही हूँ। कोई होता है तब कुछ ज़्यादा ही चक्कर लग जाते हैं, कोई नहीं होता है तो मेरे जो रेगुलर टाइम है 20 मिनट का, तो मैं वो 20 मिनट तो चक्कर लगा के ही घर जाती हूँ। कालू हम खाने जा रहे हैं फालूदा, तो हमने वॉक वगैरह कर लिया है, इन्होंने बोला चलो अपन फालूदा खाने जाते हैं, तो हम चल रहे हैं फालूदा खाने। चलो तो आपको दिखाते हैं कहाँ जाते हैं हम। बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ये आ गया हमारा मिनी गार्डन, और ये आ गया हमारे महादेव जी का मंदिर। ये मंदिर है, ये बच्चों की स्कूल आ गई। हम फालूदा लेके घर जा रहे हैं और घर जाके ही खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें सेट नहीं हुआ, तो हम जा रहे हैं घर। तो देख सकते हो यहाँ की रौनक, रौनक देख सकते हो आप, बड़ौदा की रात की रौनक। चुकी हो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैंने शावर ले लिया और नाइट शूट में आ चुके हैं, तो घर में ठंडक होने की वजह से ये फालूदा का मज़ा लेने में मज़ा आएगा। तो ये है फालूदा विथ आइसक्रीम। तो आज का डे हमारा इस तरह था। तो आपको हमारा दिन कैसा लगा पूरा दिन? तो हम पूरे दिन में अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो बहन से या मम्मी से किसी से बात कर लेते हैं, या थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, और कुछ सब्जी वब्जी काटना होता है वो काट लेते हैं, तो हमारा दिन पूरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और जब से हमने ब्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है तब से हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, हमें टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं तो पहले तो हमें टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, तो शॉर्ट्स वगैरह ऐसा मैं इतना कुछ खास बनाती नहीं थी। अभी भी मेरे मुझे जब मन होता है तभी बना लेती हूँ, बाकी जो मैं कपड़ों के अंदर हूँ वही कपड़ों के अंदर मैं शॉर्ट्स वगैरह बना लेती हूँ। बाकी बहुत लोगों को मैंने देखा है शॉर्ट्स के लिए पूरे रेडी होते हैं, अभी मुझे इतना रेडी होने का टाइम तो होता है पर मैं होती नहीं हूँ, देखते अभी आगे आगे होता है क्या। तो चलो आज का डे, आज का दिन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस जो अगर मेरे व्लॉग पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर देना, और तो गुड नाइट, सी ड्रीम्स, बाय बाय।